और ये बोल रहा है कि प्लेन से जाया करेंगे, विश्वास नहीं हुआ मेरे भाई। वो आदमी जो बोर्ड पे प्लान दिखा रहा था, जानना चाहते हैं कौन था वो? वो बोर्ड पे प्लान दिखाने वाला आदमी था पीसी छाबड़ा, जो 15 लोगों को प्लान दिखा रहा था उसने। क्योंकि मेरे भाई आरसीएम बिजनेस से पहले हमारे इंडिया में 1995 में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था एमवे, सुना होगा आप लोगों ने। उस कंपनी की अगर आपको साबुन खरीदनी है ना, पेस्ट खरीदना है तो 125 रुपए का है, और एक आदमी की इनकम जिसकी 5000 रुपए की इनकम है तो क्या 125 रुपए की पेस्ट खरीद सकता है? नो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों में ना, हमारे हिंदुस्तान के लोगों में दिमाग बहुत ज्यादा है, थोड़े दिन एमवे किया सीखा और हर चौराहे के ऊपर जो है अपनी कंपनी खोल के बैठ गए। चार लोगों ने सलाह की, हर चौराहे के ऊपर कंपनी खोल के काम करना शुरू किया, लोगों को लूटने का सोचने का काम शुरू कर दिया। बहुत सारी कंपनियां डबल करने वाली आई, बहुत सारी कंपनियां ठग के ले गई लोगों को। आज आप लोग जब फील्ड में जाते हो तो शायद आपको भी कुछ लोग मिलते होंगे, फलानी कंपनी आई थी मेरा इतना लेके भग गई, मिलते हैं यस। अच्छी कंपनियों को भी कंपनियों ने बदनाम कर दिया। ऐसे ही हम जब आसिम किया करते थे उस जमाने के अंदर भिलवाड़ा से आसिम की नकल करने के लिए कंपनी शुरू हुई कि आसिम तो जो है ना बहुत दिनों में अमीर करती है, हम तो 6 महीने के अंदर अमीर कर देते हैं आपको। हमने कहा तो अपना प्लान बता, तो पता चला कि भाई साहब 7000 रुपए की ज्वेनिंग है और 7000 रुपए के बदले में हम आपको एक बकरी देंगे। क्या देंगे? क्या देंगे मेरे भाई? बकरी देंगे, असली नहीं देंगे, कागजों में देंगे। फिर मैंने कहा यार एक बकरी देंगे 7000 के बदले तो इससे करोड़पति कैसे बनेंगे? तो उन्होंने बताया कि 7000 के बदले जब आपको बकरी मिलेगी तो बकरी भिलवाड़ा में रहेगी और उसके 6 महीने में 2 बच्चे होते हैं बकरी के, और उसके बाद उसके 2 बच्चे और उसके बाद उसके 2 बच्चे, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने। धीरे धीरे करके कागजों में आपको करोड़पति बना दिया। आसिम के बहुत सारे लोग इसको छोड़ छोड़ के गए और बकरियां खरीदने लगे। ऐसी ऐसी कंपनी आई और लोग, हिंदुस्तान के लोगों की कमजोरी क्या है, पैसा जितना मर्जी लग जाए पर काम ना करना पड़े, यस या नो? एक लाइक तू चला दे, एक लाइक मैं चला दूंगा, इसके भरोसे बैठे आदमी। पैसा जितना मर्जी लग जाए काम कुछ ना करना पड़े, इस पेटेंट पे लोगों ने खूब पैसा लगाया। थोड़े दिन के बाद बकरी वालों को देखा कि आगे तो जल्दी पैसा कमा गए, चलो हम कुछ और करते, 10 करोड़ और आ गए। एक बंदा आया कि साहबुद्दीन खान बकरी वाले तो 6 महीने में करोड़पति बनाते हैं, हम तो तुम्हें 3 महीने में करोड़पति बना देंगे। मैंने कहा तू भी बता। बोला सर हम सुअर पालते हैं, सुअर बकरी तो 2 बच्चे देती है, सुअर 12 बच्चे देता है, और उसके बारह 3 महीने में करोड़पति। और बहुत सारे लोग बकरी को छोड़ेंगे उसमें, कभी बकरी उसमें, और धीरे धीरे करके ना तो सुअर का पता ना उन सुअरों का पता जिन्होंने कंपनियां चलाई थी, ना बकरी का पता ना बकरी वाले का पता। मैं भी फंस चुका था इस तरह की कंपनियों के अंदर और मेरे पैसा लगने लगा था कि आसिम भी लोगों को लूटने के लिए आया है। बर्बाद हो चुका था अपना फोटोग्राफी का काम, बर्बाद कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में कि करोड़पति बनूंगा, मेरे लाल के हसीन सपने मैंने भी देखे और अपने फोटोग्राफी के काम को खत्म कर लिया। मेरे पापा गाँव में रहते थे, मेरे पापा को गाँव के अंदर जो है फोन किया गया कि मियां जी तुम्हारा लड़का जो है ना मेंबर बनाने की कंपनियों में लग गया, लोग तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे, तुम्हारी इज्जत खराब कर देंगे। तो मेरे पापा के वजह से छुप के 6 महीने तक अपने पापा के सामने नहीं आया। पर हमारे हरियाणा में एक परंपरा है, जब बच्चा बिगड़ जाता है तो उसकी रजिस्ट्री करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे मम्मी पापा ने जल्दी से मेरी शादी करवा दी कि जब इसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो समझ जाएगा। शादी हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई, दोस्तों फोटोग्राफी का काम खत्म हो गया, मिसिस पास थी, मिसिस कहने लगी ऐसे कब तक काम चलेगा, किसी फोटोग्राफर की दुकान पे दोबारा 2000 की नौकरी कर लो। इन स्कीमों के चक्कर में, इन कंपनियों के चक्कर में मैं इतना बदनाम हो चुका था कि जब कोई कंपनी वाला जब मेरे घर पे दरवाजा ठोकता था मैं दरवाजा नहीं खोलता था, पहले छत पे जाके गली पे देखता था कि कौन सा आया, कौन सी कंपनी का पैसा मांग रहे। इस तरह की मेरी इमेज हो चुकी थी, एक एक रुपए का मोहताज हो गया, एक फोटोग्राफर की दुकान पे 2000 नौकरी की तलाश में।
सर बना, मन मना के मार्चिंग करूंगा, लेकिन मिसिस मेरे साइड में देखने लगी, बड़ी मुश्किल से इन चीजों से पीछा छुड़ा था। तो मिसिस ने कहा, मैंने अपनी मिसिस को कहा कि एक मौका दो, 6 महीने आसिम करूंगा, अगर नहीं हुआ तो जिंदगी भर मल्टीलेवल मार्केटिंग की कंपनी को हाथ नहीं लगाऊंगा। मिसिस ने थोड़ी देर सोचा और बोला कि ठीक है चलो शुरू करो। 2 दिन हो गए घर में पड़े हुए। मिसिस बोलती है, मैंने तो बोला था कि आप आसिम करो, कर क्यों नहीं रहे? तो मैंने कहा आसिम करने के लिए पैसा चाहिए, फील्ड में जाना पड़ेगा। दोस्तों यकीन करके मानना, 700 रुपया मेरी मिसिस ने मेरे को दिया, 100 रुपए की हालत खराब कर रखी थी, जहां से निकाल